250 न्यू मिथ्स ऑफ इंडियन बैकग्राउंड थ्योरी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। सो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला मिथ, अगर हम फायर ट्रक में बैठकर कैमरा एंगल चेंज करें तो कैमरा एंगल कुछ और ही आता है। यहाँ मैं जल्दी से फायर ट्रक को स्पॉन कर लेता और ये मैंने फायर ट्रक को स्पॉन कर लिया और अभी जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। हमें फायर ट्रक के अंदर बैठ चुके और अभी जल्दी से कैमरा एंगल को चेंज करते हैं और ये मैंने कर दिया। अभी भाई ये क्या है भाई, अंदर का दिखना चाहिए ना भाई स्टेयरिंग, और वो भाई ये क्या दिख रहा है भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं चाहिए था। तो भाई वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का, उसके अंदर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं एकदम कंफर्म है। और अगला मैं लिखे न्यू रैम के पास जाके आरजे टूल में रोल ऑन लिखो और देखो मैजिक। यहाँ पे रैम के पास आ चुका और जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं रोल ऑन और ये मैंने लिख दिया रोल ऑन और अभी देखते क्या होता है। अरे भाई साहब ये तो सच में गोल घूमने लगा है भाई, इसके ऊपर से गाड़ी को कूदा देखते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलेरो एकदम फुल स्पीड के अंदर जा रही और ये चढ़ चुकी है और ये कूदा दी और ये, अरे भाई साहब इधर हमारे कैरेक्टर को बाहर फेंक दिया और ये देखो भाई ये तो मर भी गया भाई, लेकिन ये मैं एकदम कन्फर्म है। तो हमारा अगला मैंने अपडेट के बाद हमारा बंदा हेलीकॉप्टर गेट खोलने का एनिमेशन नहीं करता है। यहाँ मैं जल्दी से हेलीकॉप्टर स्पॉन कर दिया और ये मैंने कर दिया और अभी इसके अंदर बैठ के देखते हैं। हाँ यार ये तो सीधा बैठ गया जो कि पहले एनिमेशन करता था गेट ओपन की, लेकिन एक बार उतर के भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये उतरने के बाद भी कोई गेट बंद नहीं कर रहा है, मतलब इस अपडेट के अंदर ये ग्लिच फिक्स हो चुका है, तो ये मेरे एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने जब आप हाउस को आरजीबी करोगे फिर अंदर जाओगे तो हाउस ट्रांसपेरेंट होगा। यहाँ मैंने लिख दिया हाउस कलर आरजीबी और अभी करते हैं और ये हो चुका आरजीबी और अभी चलते हैं हाउस के अंदर। यहाँ पे हमारा हाउस तो सच में ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ऊपर की सारे जिम भी दिख रही है और ये देखो भाई कितने ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, ये मेरे एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने अपडेट के बाद बीच का पानी का कलर चेंज हो गया है। ये मैं बीच के ऊपर आ चुका और ये देखो भाई हमारा गेम का ग्राफिक कितना ज्यादा मस्त हो चुके हैं और ये देखो भाई पानी भी कितना ज्यादा मस्त दिख रहा है यार। जो पानी का कलर था ना भाई वो एकदम ब्लू कलर का था, लेकिन अब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, तो ये एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला में देखिए हम जेट पैक से बड़े वाले एरोप्लेन के ऊपर लैंड हो सकते हैं। जो लोगों को पता होगा कि इस एरोप्लेन के ऊपर खड़े होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, एकदम नीचे ही फेंक देता है ये हमें। यहाँ पे जेट पैक से ट्राई करते हैं और ये मैं लैंड हो चुका और अभी देखते एग्जिट करके और ये मैंने एग्जिट कर दिया और अभी देखेंगे। नहीं भाई यहाँ पे इसने मुझे नीचे नहीं फेंका भाई, आप इस तरीके से इस जेट पैक के थ्रू आ सकते हो इस एरोप्लेन के ऊपर और यहाँ पे चल भी सकते हो। अरे भाई ये नीचे क्यों गिर गया। अब यहाँ पे हम जेट पैक के थ्रू इसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन भाई इस साइड मत आ जाना नहीं तो मेरे तरह गिर जाओगे, तो ये एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने अगर हम जेट पैक से स्विमिंग ग्लिच करे और जेट पैक पे बैठे तो लगेगा कि वो डर रहा है। यहाँ पे जल्दी से जेट पैक को स्पॉन कर लेते हो स्विमिंग पूल के अंदर और ये मैंने डाल दिया इसका कोड और ये आ चुका हमारा जेट पैक। अभी मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ और ये हम बैठ चुके और भाई ये कैसे बैठ गया भाई, अरे भाई साहब को भाई यहाँ पे इसको उड़ा कर दे। अरे भाई साहब ये डर रहा है कि ये डांस कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई ये। मैं कुछ भी कहूँ ये बहुत ज्यादा फनी लग रहा है और यहाँ पे एग्जिट करके देखते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया, नहीं भाई ये उड़ नहीं रहा है, ये तो सीधा नीचे जा रहा है, लेकिन ये मेरे एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने न्यू अपडेट में हेलीकॉप्टर का कैमरा चेंज हो गया है। यहाँ मैंने हेलीकॉप्टर स्पॉन कर लिया और जल्दी से इसके अंदर बैठे और अभी देखते कैमरा एंगल चेंज करके और भाई ये देखो भाई ये तो पूरा का पूरा ही चेंज हो गया। ये वाला कैमरा एंगल मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगा भाई, एकदम ऊपर से दिख रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, तो ये मेरे एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने हम बिग जेट पैक का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 320 से आ जाता है हमारा बड़ा वाला जेट पैक और अभी देखते इसका कलर चेंज हम कर सकते हैं कि नहीं। एंड यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है और सभी कलर के अंदर ये हो रहा है, एक बार आरजीबी करके देखते हैं और यहाँ पे मैंने आरजीबी कर दिया। यहाँ पे हम बिग वाले जेट पैक का कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये मेरे एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैं अगर हम बलेरो को उल्टा करेंगे और उसके ऊपर साइकिल स्पॉन करना है और फिर देखो मैजिक। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके भाई ये बलेरो को उल्टा कर दिया और यहाँ पे साइकिल को स्पॉन कर देते हैं। सेकंड व्हाट भाई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ भाई इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, तो ये मैं एकदम बस्टेड है। हमारा अगला मैं अगर हम दोनों जेट पैक में साथ में बैठे तो फिर देखो मैजिक। यहाँ पे मैंने दोनों जेट पैक को स्पॉन कर लिया और जल्दी से इन दोनों में एक साथ बैठे और ये मैं बैठ चुका हूँ। अभी जेट पैक को उड़ा दे, एक सेकंड भाई पीछे वाला जेट पैक भी उड़ रहा है भाई, क्या ही खतरनाक दिख रहे हैं भाई दोनों। ये देखो भाई दूसरा वाला जेट पैक कितने ज्यादा आगे जा चुका है, तो ये मेरे एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने जेट पैक मेगा रैम पर नहीं उड़ा सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक जेट पैक को स्पॉन कर लेते और ये मैंने स्पॉन कर लिया और अभी देखते हैं ये उड़ता है कि नहीं। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक भी ये नहीं उड़ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे एकदम कन्फर्म है। अगला मैंने की जेट पैक और जेट एक्सटेंडर में दोनों में एक साथ बैठो फिर उतरो फिर होगा मैजिक। इतना नहीं यहाँ पे लिखा है कि गेम को बैक करके कोई और मोड लगाओ ग्लिच तभी भी रहेगा।
यहाँ पे सबसे पहले मुझे ZX टेना को स्पॉन करना है और उसके ऊपर मुझे करना है जेट पैक को स्पॉन। तो यहाँ पे जेट पैक को भी स्पॉन कर लिया। अभी मुझे बैठना है इन दोनों में एक साथ और ये मैं बैठ चुका हूँ। अभी देखते क्या होता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ यार, रुको एक सेकंड भाई। यहाँ पे जैसे मैंने कैमरा एंगल चेंज किया, हमारा कैमरा एंगल तो भाई यहाँ पे जेट पैक के ऊपर दिखा रहा है और ये देखो भाई सामने अपने कैरेक्टर को भी देख पा रहे हैं। आगे में इसके अंदर लिखा था कि हमें दूसरा कोई मोड लगाना है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जुरासिक पार्क। यहाँ पे ये लग चुका और अभी देखते क्या होता है। अबे ये क्या हो गया भाई, हम तो सीधा वॉइड के अंदर गिर रहे हैं। कोई दूसरा ग्लिच हो गया भाई, तो ये एकदम कन्फर्म है। और अगला मैंने बलेरो के अंदर 188 लिखा होता है। यहाँ मैं जल्दी से बलेरो को स्पॉन कर लेता हूँ और ये मैंने कर दिया और जल्दी से इसके अंदर बैठ लेते हैं। अभी देखते हैं भाई कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है। ये देखो भाई यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये मैं एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मैंने फायर ट्रक 2 RPG में फटेगा। यहाँ मैंने पहले से फायर ट्रक को स्पॉन कर लिया था और भाई ये क्या है भाई, ये तो 1 RPG में फट गया। आप एक बार फिर से ट्राई करते हो और ये देखो भाई 1 RPG में ये फट रहा है, तो इसका मतलब ये एकदम बस्टेड है। और अगला में देखिए न्यू अपडेट में छोटे वाले जेट पैक का कलर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ मैं जल्दी से छोटे वाले जेट पैक को स्पॉन कर लेता हूँ और ये मैंने कर दिया और अभी देखते इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। नहीं भाई यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मेरे एकदम कन्फर्म है। और अगले में देखिए बलेरो से किसी भी कार को टक्कर मारेंगे तो बंदा बाहर आ जाएगा और बलेरो दूर चली जाती है। यहाँ पे हमारी बलेरो बहुत स्पीड है और ये मैंने टक्कर मार दी और वो देखो बलेरो कहाँ पे जाके गिरी भाई, दिख भी नहीं रही भाई मुझे यहाँ से। जैसे मैं तुम्हें लिखा था कि हम बलेरो से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम आ चुके हैं, सो इमित एकदम कन्फर्म है। हमारा अगला मिति बीच पर जाओ, आर्जेस टूल में जेट्स की लिखो फिर देखो मैजिक। यहाँ पे बीच के ऊपर आ चुका और यहाँ पे फटाक से लिख दिए जेट्स की और ये मैंने लिख दिया और अभी देखते क्या होता है। नहीं भाई यहाँ पे कुछ नहीं आया, लेकिन अगर आपको गेम के अंदर जेट्स की चाहिए तो कमेंट कर देना, तो ये मित्र एकदम बस्टेड है। यही आज की वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके पास कोई मित्र तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर लूंगा। तो मैं मिलता हूं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।